भी हिंदुस्तान के अंदर वीना जी के लिए एक बार जोरदार ताली हम लोग खुद ही बजा लेते हैं, क्योंकि सारे प्रेस वाले हमारे मेहमान नहीं है यहाँ पे, सबका अपना अपना ये इवेंट है। दिस इज द चाइल्ड। ओके सर, सबसे पहले जब मैं वीना से बात करूँ, सबसे पहले आप अपनी सोसाइटी के बारे में। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए। कोई भी चीज़ जो आप करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी या कोई ऐसी चीज़ हो, खासतौर पर जब आप किसी हेल्प आउट करना चाहते हो। आई डोंट नो गेट इनटू द डिटेल्स कि मैंने कितने बच्चों को मैंने स्पॉन्सर किया है और क्या क्या किया है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर सम टाइम विद WHO एज वेल, स्पॉन्सर किड्स इन पाकिस्तान एज वेल, बट आई डोंट नो गेट इनटू द डिटेल्स। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इंडिया में आई वाज इन द बिग बॉस हाउस, मेयर नेशनल मेयर प्रॉमिस कि हम चैरिटी के लिए बाहर निकल के काम करेंगे। एंड सिंस देन मैं कुछ करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया कि मैं एक बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। एंड फाइनली सहारा का प्रोफाइल मुझे बहुत खूबसूरत लगा और अच्छा लगा। दे आर हेल्पिंग यंग किड्स और ख़ास तौर पे 8 से 12 साल की एज बहुत टेंडर एज होती है और उसमें बच्चे किसी भी मुल्क का आने वाला फ्यूचर होते हैं। और मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि कौन किस मज़हब से है। मेरे लिए सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। आई थिंक दुनिया में कोई भी शख्स अगर मुझे मिलता है तो मुझे नहीं याद आया कि मैंने कभी किसी इंसान से पूछा हो कि उसका मज़हब क्या है। तो पर्सन इज़ नाइस फॉर मी, द बिगेस्ट रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी। आई एम हैप्पी सबसे बढ़ के कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। और मेरा कोई भी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए कोई रिलीजन कोई बाउंड्रीज मेरे लिए नहीं है। आई एम हैप्पी।